नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन, मैं हूं आपके साथ कनिका। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के अंतर्गत क्वार्टर संख्या T19A के अंदर रेलवे कॉलोनी के लोगों ने एक जीआरपी पुलिस कर्मी को एक महिला के संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों ने डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी। आखिर पुलिस कर्मी के महिला के साथ क्या संबंध है और वो रेलवे क्वार्टर किसका है, इस मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और वीडियो की भी जाँच कराई जा रही है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक जीआरपी का सिपाही महिला के साथ पकड़ने का मामला सामने आया, क्या जानकारी है सभी? अभी तक इस मामले में ये जानकारी हुई है कि 100 नंबर की गाड़ी पे फ़ोन गया था, उसके बाद में फ़ोन को तुरंत रिसीव किया गया, तो इसके बाद में पता चला कि वहाँ पे एक जीआरपी का सिपाही है। जीआरपी के सिपाही को वहाँ पे उनको उस आदमी को जीआरपी के सिपाही को एक महिला के साथ वहाँ पे कुछ जो वहाँ के लोकल रेलवे कॉलोनी के लोग थे, जो थाना मजोला के अंतर्गत आता है, उन्होंने उसको वहाँ पर पकड़ा और 100 नंबर की गाड़ी उनको थाने पर लाई। उसके बाद में जो वहाँ पे लोकल जो लोग थे कॉलोनी वाले, उन्होंने उसकी एप्लीकेशन दी कि ऐसा आम तौर पे पाया गया है कि ये सिपाही इस महिला के साथ वहाँ पे आता था। इसके बाद में ये भी पता चला कि जो महिला है वहाँ पे, जो इसके साथ इनके जीआरपी के सिपाही के साथ वहाँ पे थी, वहाँ पे जो जीआरपी के सिपाही की जो वाइफ है वहाँ पर मौके पर आ गई और उनका दावा था कि ये महिला उनकी बहन है। तो फिर बाद में इसके बाद में जो रेलवे कॉलोनी के लोग थे, उनके द्वारा जो एप्लीकेशन ली गई है, उसकी फ़िलहाल जाँच चल रही है।